भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बीरा भंडारी ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष संपत सिंह रावत पर अभद्र और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। बीरा भंडारी ने बताया कि शनिवार को भाजपा कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचने पर जिला अध्यक्ष के द्वारा उन्हें अभद्रता के साथ पूछा गया कि उन्हें इस बैठक में आने की अनुमति किसके द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी जिला अध्यक्ष के द्वारा उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा चुका है। वहीं इस मामले में जिला अध्यक्ष संपत सिंह रावत ने कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। कथक के ग्रुप में सारे कार्यकर्ता वहाँ पे पहुँचेंगे और हम लोग भी, मैं तो अपने आप को ये कहती हूँ कि शायद हम लोगों का यही दुर्भाग्य होगा। मैं सीधे ऋषिकेश से आई और इतनी पीड़ित महिला होने के बाद आज माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा मुझे दूसरी बार इतनी बेइज्जती किया गया कि आपको इस पार्टी के अंदर और इस उसके अंदर क्यों बुलाया, किसने बुलाया गया माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा, मतलब हमेशा मेरे को इतनी बेइज्जती की जाती। आज हमने इस पार्टी को अपने बच्चों की तरह सींचा है और जिलाध्यक्ष जी द्वारा मतलब हमेशा पता नहीं क्यों इतनी व्यक्ति की विशेष की टसन निकालते रहते हैं। और आज भरी मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि तुझे किसने बुलाया इस मीटिंग के अंदर। मैं एक भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ और हमेशा चार धामों पर आधारित फिल्म देवभूमि का शनिवार को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने शुभारंभ किया। इस मौके पर फिल्म के सभी किरदार मौके पर मौजूद थे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड फिल्म शूटिंग के लिए बॉलीवुड के निर्माता और निर्देशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने भी सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया है। उन्होंने देवभूमि फिल्म के निर्माताओं को बधाई देते हुए कहा कि पहली ऐसी फिल्म बनने जा रही है जिसमें चारों धाम एक साथ दिखाई देंगे। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में फिल्म के निर्माता और कलाकार भी मौजूद रहे। चारा धामों पर बेस्ड एक पिक्चर देवभूमि का बनाने का निर्णय विकास जी और उनकी पटेल जी उनकी टीम ने लिया, और जिसमें जो कि दोनों लीडिंग रोल जो है वो स्थानीय कलाकार हैं, तो निसंदेह स्थानीय कलाकारों की उपस्थिति से भी और बॉलीवुड का मिश्रण और स्थानीय कलाकारों की उपस्थिति, इससे मुझे लगता है कि इस फिल्म से धार्मिक जो जो कंसेप्ट को लेकर पिक्चर बन रही है, इससे लोगों को पसंद आएगी और इससे उत्तराखंड को एक और एक्सपोजर मिलेगा यहाँ की खूबसूरत वादियों का, यहाँ के तमाम घाटियों का, यहाँ के नैसर्गिक और जो हमारी इकोलॉजी और जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये सबका एक संदेश आएगा और आने वाले समय में और लोग बॉलीवुड से चल के उत्तराखंड में आए। ये फिल्म कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट। इस फिल्म में खास बात ये है कि पांच भाई बहन जो आज का यूथ है, विच इज़ यंग जनरेशन, वो चार धाम की ओर बढ़ रहे हैं किसी रीज़न के लिए, और वो रीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वो तो फिल्म में देखने को मिलेगा ही। और बाकी ये है कि देवभूमि मेरे लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे उत्तराखंड में आई हूँ और एक्सपीरियंस कर रही हूँ यहाँ की वादियों को, यहाँ की खूबसूरती को, और आई फील दैट आप सबको भी पसंद आए जो भी बन रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिल्ली प्रवास के दूसरे दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों से शिष्टाचार भेंट की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए उन्होंने प्रदेश के संदर्भ में राजनीतिक चर्चा करते हुए विभिन्न सांगठनिक विषयों पर भी चर्चा की। वहीं शनिवार को महेंद्र भट्ट ने अस्वस्थ चल रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ओम माथुर से भी मिलकर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पिथौरागढ़ के कनाली छीना मार्केट में केबल बेचे जाने का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर ऊर्जा निगम के द्वारा जांच बिठाई गई है। वीडियो को लेकर व्यापार संघ के अध्यक्ष रवि राजेश शिरोला ने जिलाधिकारी से जांच की मांग की है। व्यापार संघ के अध्यक्ष का आरोप है कि मुफ्त में मिलने वाली ऊर्जा निगम की केबल को विभागीय कर्मचारियों के द्वारा बाजार की दुकानों में बेचा जा रहा है। उन्होंने विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग के द्वारा व्यापार संघ के अध्यक्ष को डराया धमकाया जा रहा है, जिसको लेकर वो जिलाधिकारी से मुलाकात कर जांच की मांग करेंगे। सबूत नंबर 6 जो कि मेरा अपना मीटर है, और इस कनेक्शन को मैं आज से 10 दिन पहले ले आया हूँ। इसके संदर्भ में मैंने जेई साहब से व विभाग के अधिकारियों से कहा कि सर, इसमें केबिल विभाग द्वारा इश्यू होती है और केबिल मेरे को दे दो। तो विभाग द्वारा व अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि केबिल अभी गोदाम में नहीं है, उनके पास हम कंज्यूमर को देने के लिए केबिल नियम, अगर बाजार में बिक्री के लिए उनके पास केबिल है। ये मीटर मेरा अपना है और इसमें मेरे को आप देख सकते हैं केबिल प्राप्त नहीं हुई है, ये केबिल मैंने अपनी खरीद के लगा रखी है। मैं विद्युत विभाग के अधिकारियों से ये निवेदन करूंगा कि आप कृपया जो कंज्यूमर जो कस्टमर का जो हक है वो उन्हें दे, और मैं उसी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं इस संदर्भ में सोमवार को हमारे जिला मजिस्ट्रेट महोदय चौहान जी के पास जाऊँगा।
और अपने व्यापार संघ के कुछ पदाधिकारियों को लेकर जाएंगे और ये उनको समस्या बताएंगे। शनिवार को जौनसार बावर के लाखा मंडल क्षेत्र में मानथाट मेले का आयोजन किया गया, जिसमें परंपरा अनुसार पहाड़ों से भेड़े और बकरी इस जगह पर लाई जाती हैं। 24 गांव की महिलाएं भेड़ के लिए बुकाना चूड़ा लाते हैं। इस दौरान शेरवा भी बनाया जाता है। मेले में 24 गांव के सियाणा, जौनसार बावर और गढ़वाल के कई लोग शामिल होते हैं। जौनसार बावर जन कल्याण विकास समिति के अध्यक्षा बचना शर्मा, रमेश सियाणा, दीवान सिंह, शांति चौहान, ओम प्रकाश समेत कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। मनाया जा रहा है और ये जो मेला है इसकी परंपरा है कि भेड़े हैं जो भेड़ बकरी पहाड़ों में एक एक महीने तक यहाँ पे भेड़े बकरी रहती थी गुफा में, तो उस अवसर पर जो गांव की महिला है, क्षेत्र की यांटुड़िया है, वो भुकाना और चिवड़ा और शेरवा रोट होता था ये वो बना के ले आती थी और भेड़ों के भेंट करने के लिए आती थी और ये नुड़ाई मेला मनाया जाता है बड़े धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ। और आज भी यहाँ पे भेड़े तो खैर नहीं रही लेकिन कहीं कहीं है मेला अभी भी चल ही रहा है और बहुत अच्छे ढंग से मना रहे हैं। पिथौरागढ़ में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बेरीनाग, गंगोली हाट, थल तहसीलों में एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की जानकारी घर घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक और नगरीय क्षेत्रों में नगर पंचायतों के माध्यम से झंडा उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। द्वारा निर्देशित किया गया है कि ये भारत सरकार का जो ये राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति के उपलक्ष में और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में, तो इससे संबंधित हम लोगों ने नगर पंचायत और नगर क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक के माध्यम से, समूहों के माध्यम से झंडा का वितरण करवा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जो है इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, तो जो भी बहुउद्देशीय शिविर या रात चौपाल हम लोग लगा रहे हैं और उसमें जो है इसका जो है प्रचार कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि 13 से 15 के बीच अगस्त क्रांति के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 13 से 15 तक हर घर में जो है तिरंगा फहराया जाए। लालकुआं कोतवाली परिसर में शनिवार को रक्षाबंधन और मोहर्रम के त्यौहार को लेकर पीसा कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में क्षेत्र से आए कई गणमान्य लोगों ने मोहर्रम और रक्षाबंधन का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। पीस कमेटी बैठक की अध्यक्षता करते हुए लालकुआं कोतवाल संजय कुमार ने कहा कि सभी लोग रक्षाबंधन और मोहर्रम के त्यौहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं। 9 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार आयोजित किया जाना है, उसके शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण सफल आयोजन के लिए यहाँ पर एक अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। उसमें सभी विभाग यहाँ पर उपस्थित थे, मुख्यतः अपना जल संस्थान, विद्युत विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और रेलवे से भी यहाँ लोग उपस्थित थे। मुख्यतः उनको निर्देशित किया गया है कि जो ताजिए की ऊँचाई हो उसको वो सीमित रखें ताकि कहीं पर भी वो बिजली के तारों में या कहीं भी भिड़े ना, और दूसरा किसी भी तरीके का ऐसा कोई प्रदर्शन ना हो जिससे कि यातायात व्यवस्था बाधित हो। इन बिंदुओं को लेकर उनको निर्देशित कर दिया गया। 9 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाना है, उसी को लेकर यहाँ एक शांति कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें जो शासन प्रशासन से प्राप्त निर्देश हैं उनको लोगों से बताया गया है और लोगों से अपील की कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्यौहार को मनाएं। जो यहाँ पे लाइन है, बिजली की लाइन है, उनसे थोड़ा ताजिए छोटे रखें और शांतिपूर्ण तरीके से अपना इस त्यौहार को मनाएं।